कमा कनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और अभी 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, पता ही नहीं चलता टाइम का भी, इतना जल्दी जाता है ना। मुझे लगा था कि आज जल्दी नहा ली हूँ, बट मैंने जब टाइम देखा अभी तो पता चला कि 12 बज गए, तो मैं जल्दी नहीं हूँ। तो मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ, और दुर्गा को आज हम नहलाएंगे नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम सा हो रखा है, तो इसके कपड़े चेंज करूँगी। और मम्मी बाहर गए थे, तो मैं क्या फटाफट से मैंने इनको बोला कि आप दुर्गा को लेकर चले जाओ थोड़ी देर, क्योंकि दुर्गा आज थोड़ा सा चूं कर रही थी। जुकाम में बच्चे करते हैं ना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये वैसे ही हो रखी थी। तो मम्मी इसको बाहर लेके गई थी, तो मैं फटाफट नहा धो के फ्री हुई हूँ। इतने में मम्मी आ गए, तो खाना मेरे लिए मम्मी ही बनाएंगे। आज उनका तो व्रत है, तो सिर्फ मेरे लिए बनाएंगे, और मैं करूँगी सिलाई। उस सूट की गट्टी भी लेके आए मम्मी, जो मेरे को कल नहीं मिली थी, तो उसकी गट्टी लेके आए, उसकी मैं सिलाई करूँगी। एंड और उसके अलावा देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और मैं बीमार क्या हो गई, मेरी व्यूज भी कम आने लग गए, तो प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा व्लॉग को, ताकि मेरी व्यूज वापस से पहले जैसे आने लग जाए। सो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। सो ये अभी हमारी दुर्वा सिंह सो चुकी है, तो इसके सोने के बाद में मैंने कर ली यहाँ पे सिलाई की तैयारी। मैं सिलने वाली हूँ अपना ये वाला सूट जो कि बीच में रह गया था, पूरा सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। और ये गट्टी मिली, हालांकि ये पूरा मैच नहीं कर रही है, बट ठीक है, इसी से काम चलाना पड़ेगा फिलहाल। तो राजपूती सूट जब अपन सिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इस कुर्ती में जो गट्टा होता है उसकी मंगजी जब अपन निकालते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सलवटे आती है। तो किस तरीके से मंगजी निकाले जिससे कि सलवटे नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इस मंगजी को जो है थोड़ा बहुत खींच खींच के लेना है, टाइट करके लेना है, ताकि इसमें सलवटे नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे जो गट्टे की मंगजी है इसमें बिल्कुल भी सलवटे नहीं है। इसका रीज़न यही है कि मैंने जो इस मंगजी को थोड़ा टाइट करके निकाला है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके गट्टे में भी बिल्कुल भी सलवटे नहीं आएंगे, और आपका गट्टा बिल्कुल ही सुंदर सा बनेगा। ये हमारा लड्डू सिंह उठ गया आजकल, इसकी शैतानी देखिए, आप अपने आप इसके ऊपर बैठ जाता है, गिर जाएगी, हाँ धम हो जाएगी, हाँ होगी, तो ओ करने से क्या होता है, पीछे गिरेगी। और मम्मी भी कुछ कर रहे हैं काम, मेरी सिलाई तो बीच में रह गई क्योंकि दुर्गा उठ गई थी। मम्मी कुछ बना रही है, ओ बैठने वाले पटाखे खोले बना रही है, वो जो दुर्वा लेके घूम रही है उसके कवर। आइडिया तो मैंने ही दिया था, पड़ा था वो तो काम में आ जाती। मैं ना दुर्वा को सिला रही, मैं सोच रही थी मम्मी मेरे सूट सिल रहे हैं, उठ के आके देखा तो मम्मी अपना ही कुछ बना रहे हैं। ऐसे मम्मी ने पहले मेरे दो सूट सिल दिए मेरे आने से पहले, तो जब हम लोग आ जाते उसके बाद तो सिलाई करना पॉसिबल रहता नहीं, इसलिए मम्मी पहले ही सिल के रख देते हैं। दुर्वा आ जा इधर। तो अभी तो मम्मी सिल रहे हैं, पूरा सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया है दुर्वा की नानी ने। मेरे को एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। ये दुर्वा इसको निकाल रही है, खोलना नहीं है बेटा, इसको सर्दी लग रही है, इसको पहना दो, सर्दी लग रही है इसको। और अब इस साइड में मम्मी ने बनाई है डोरी, इस डोरी के थोड़ा फैशन कर देंगे ना, हट ना दुर्वा, ये रहा तो अगर पहना तो बात दे इसको, ज्यादा नीचे रुक जा रे बाबा, खोलना क्यों है, कितनी सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है, सुंदर देख, इसको फिर ओपन ना, ये फिरोग बनाइए इसके, इसके फिरोग बनाइए, फिरोग बनाइए इसके, इसको सर्दी लग रही है ना, इसलिए इसको फिरोग मान दे खींचो, तेरी नाप क्या होते हो गए, क्या नाप है ऊपर बाद
अब आप तो सुबह से इसे कुछ कर लीजिए, सही है भी तो थोड़ा सा भी ना करो, देर से तो बाहर तो आप बिखेरे। दुर्गा हट, दुर्गा खोलना क्यों है? अरे इसको पेन नहीं रखने देना। अरे अच्छी लगती है, देखो देख कितने सुंदर है, सुंदर लगती है, देखो अच्छी लगती है, अच्छा लग रहा है ना, आपने भी तो कपड़े पहने, अच्छा लग रहा है, मैं तो घर खोलू, चल अच्छा लग रहा है। तो ये बन चुका है रेडी, है डिजाइन भी सुंदर सी आ गई। मेरा कुर्ता था जिसका मम्मी ने ये बना दिया। सो अभी बज चुके हैं चार, हमारा हो गया चाय का टाइम, चाय बिस्किट लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं करूँगी अपनी सिलाई कंटिन्यू। सो अभी हो चुकी है नाइट और बज रहे हैं नौ बज चुके हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होके बंद हो गया था और लाइट नहीं थी, लाइट बहुत लेट आई थी। लाइट आने के बाद तो मैंने अपनी सिलाई भी कंप्लीट कर लिया, आज मेरा एक सूट कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा काम कंप्लीट होता रहता है। और उसके बाद में दुर्वा बीबी भी सो चुकी है, दुर्वा इतना मुश्किल से सोती है, अगर मेरे को कभी हुआ ना तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि कैसे वो सोती है, बहुत मुश्किल से सोती है। सो अभी व्लॉग को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।